नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति चौहान हाजिर हूँ फिर से आप सभी के सामने एक नई पर्सनालिटीज के साथ। इस बार मेरी जिस पर्सनालिटी से मुलाकात हुई वो इंग्लास के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर लोकेश शर्मा की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अगर इजाजत हो तो। सर, सबसे पहले मुझे अपनी शिक्षा के एजुकेशन के बारे में मुझे कुछ बताइए। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, यहाँ से कक्षा 12 तक की शिक्षा मेरी इन क्लास में हुई। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, वहीं मैं ग्रेजुएशन की और राजनीति विज्ञान में मैंने मास्टर्स किया वहीं से, और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया वहीं से, लॉ किया, फिर एलएलएम किया, एमफिल किया पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया, अभी मेरा डीलिट चल रहा है। मेरी शिक्षा यही। ओके, तो मैंने जितना सुना है आपका जो मन था वो सिविल सर्विसेज की तरफ ज्यादा था, अचानक से राजनीति की तरफ कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। सिविल सर्विसेज की मैंने प्रिपरेशन की और साक्षात्कार भी आईएएस के मैंने 2 बार दिए और पीसीएस के भी 3-4 बार साक्षात्कार दिए मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी रही होगी, सिलेक्शन नहीं हो पाया। और अभी भी मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, वो दे रहा हूँ। अभी असल में पूरी तरीके से राजनीति में नहीं हूँ, यहाँ के असल में सीतापुर गांव है, क्लास के पास गांव में रहते भी नहीं थे हम, तो इलास में रहते हैं। वहाँ असल में बहुत ही गांव पिछला हुआ गांव था और लोगों ने बहुत ही अनुरोध किया, बहुत ही फोर्स किया कि आप चुनाव लड़िए और यहाँ का जो विकास कार्य जो पिछड़ा हुआ है उसको आप एक दिशा दीजिए। उन्होंने मना भी किया लेकिन लोग ज़्यादा पीछे पड़े, मैं वहाँ चुनाव लड़ा और इतने वोटों से जिता के भेजा पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से। ऐसे आया राजनीति में कोई खास ऐसी वजह नहीं। न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में कभी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं आप, उसकी क्या वजह है? अब ये तो यहाँ के जो विकास कार्य हैं, तमाम तरीके के जो मद हैं, हमारी पंचायत निधि से मद हैं। हालांकि पंचायत में जो पैसा आता है जो निधि में बहुत कम आता है, लेकिन और निधि है और अपने ग्राम पंचायत से हम जो प्रस्ताव करके उनको, जैसे मंडी परिषद है वहाँ से हमने एक रोड बनवाई है बहुत लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पूरे गांव की, आरसीसी जल निगम से लगभग 1.25 करोड़ रुपए की जल निगम से टंकी, पानी की टंकी का हमने प्रस्ताव करा के उसको लाए हैं। बहुत सी सड़कें हैं जो कि एक कपिल सिब्बल हैं जो प्रदेश में केंद्र में मंत्री रहे थे, इसमें राजसभा सांसद हैं, उनसे भी हम लगभग 12-13 करोड़ रुपये का धनराशि लाए जो सड़क बनवाई। और पूरे ब्लॉक में सबसे पहला एक आदर्श तालाब का वीडियो सामने उनको यहाँ किया। और पूरे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि पूरे गांव का पानी तालाब में जाता हो। हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था है, लगभग 0.5 किलोमीटर का नाला ऐसा बनवाया है कि पूरे गांव का पानी एक एक बूंद पूरा पोखर में जाता है। तो विकास कार्य से भी पूरे गाँव वालों का सही मुला उसी से पूरा विकास कार्य हो रहा है, वही छापते हैं लोग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि दिल्ली से, दिल्ली से और लखनऊ से पैसा लाना गांव में इतना इजी नहीं है, तो वो सारी चीजें आप कैसे करते हैं? हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन अगर अपने मन में इच्छा शक्ति हो तो ऐसी बात नहीं है, लोग सहयोग करते हैं, सहयोग करने वाले भी लोग हैं, अधिकारी भी सहयोग करते हैं। अगर वास्तव में सच्ची नीयत के साथ अगर आप काम करते हैं, लोग सहयोग करते हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक दिलेश जी हों, राजीव दिलेश जी, और माननीय सांसद दिवाकर जी, सतीश गौतम जी, सबका सहयोग रहता है। कहीं मैं फ़ोन कराना चाहूँ, बेचारे पूरी मदद करते हैं, लखनऊ साथ जाते हैं, दिल्ली साथ जाते हैं, उससे सबसे हो पाता है। मेरा अकेले का इसमें कुछ नहीं है, सबकी मदद है। जी, विकास के बारे में बात हो रही है तो योजनाएं बनाना तो लाजमी है, तो आपकी क्या क्या योजनाएं रहती हैं? असल में इस गांव को, सीतापुर गांव को मैं एक मॉडल गांव के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। यहाँ की सड़कें बिल्कुल खराब थी, स्कूल बिल्कुल खराब था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी बहुत ही, यहाँ का जो क्वालिटी है पानी बहुत खराब है। उस वजह से जल निगम के से हमने टंकी का निर्माण कराया, सड़कें बनवाई। अभी आगे हमारी योजना है कि जो जल स्तर, जो गांव का जल स्तर पानी का गिर रहा है, उसके लिए हम कुछ कुछ यहाँ काम करना चाहते हैं, जल स्तर गांव का उठे। महिला सशक्तिकरण में भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के जो नई नई जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही होगी हैं उनके लिए हम खुद टीचर, प्राइमरी स्कूल है गांव में, लेकिन हमारी योजना है कि उनके लिए अलग से हम शिक्षक रखेंगे,
और उनके जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी मदद करेंगे और अलग से स्वयं भी पढ़ाएंगे। जब उनकी सेफ्टी की बात आती है महिलाओं की बेटियों की, तो वो चीज कैसे मिलेगी लड़कियों को कि वो और आगे क्षेत्र में आगे जा पाए, नाम रोशन कर पाए? असल में शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है कि उसी से उनको सेफ्टी भी मिलेगी। जब शिक्षा उनके पास होगी तो ज्ञान रखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो उसी के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। चलिए एक ब्रेक और ले लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो राजनीति क्षेत्र में जो है समस्याएं आना बहुत ही आवश्यक है, मतलब आती ही है, तो उन चुनौतियों को आप कैसे फेस करते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी कोई जो नहीं, विकास कराने में जरूर चुनौती आती है। तो किस तरीके तमाम तरह की अधिकारी भी अलग प्रकार की उनकी समस्या होती है, मांग होती है, डिमांड्स होती है, उन सबको समस्या आती है, लेकिन उनको उन्हीं समस्याओं की वजह से काम डिले होते हैं। लेकिन काम होते हैं, लगे रहते हैं, ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी जिसका समाधान हो। गाँव के लोग अगर सहयोग की बात करें तो कितना सहयोग आपको मिलता? 100% गांव के अंदर जब चुनाव हुआ था तो लगभग 80% वोट मुझे मिला था। आज 100% लोग मेरे साथ हैं, विकास के नाम पर साथ हैं। पूरा गांव के लोग ही अगर सहयोग नहीं करेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा? जब तक उनके सहयोग बिना कुछ नहीं हो सकता। उनका पूरा पूरा सहयोग मुझे मिला है। विशेष रूप से 2-4 लोग हैं, जैसे श्री दिनेश पाल बने जी हैं, उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। एक हमारे भाई हैं श्री सतीश शर्मा जी, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। रामतार जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। गाँव के जितने लोग हैं, श्री रामेश्वर सिंह शर्मा एडवोकेट हैं, बहुत पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है तरीके से, और उनके सहयोग से सब कुछ आगे चल रहा है। इस क्षेत्र में आगे क्या सोच रखा है, क्या इरादे हैं कि क्या आगे करना है? विकास के क्षेत्र में जी, पूरे इस विकास के राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में अभी बस यही चल रहा है। ज्यादा कोई अभी ऐसा निर्णय नहीं किया है कि क्या राजनीतिक क्षेत्र, अभी उस समय बताएगा, परिस्थितियाँ बताएंगी क्या आगे चल रहा है, जैसे ईश्वर जो कर रखा हो। ठीक है, तो जैसे कल्चर की बात हो रही है, यूपी का अपना एक कल्चर है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, अगर धनक मीडिया आप तक पहुंच जाएगी? धनक मीडिया के बारे में यूट्यूब पर भी आपके बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, और जो सामाजिक विमर्श के मुद्दे हैं और स्त्री सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपने देखा है, बहुत से लोगों का आपने साक्षात्कार लिया है, उससे लोगों तक बातें पहुँचती हैं, उनके विचार पहुँचते हैं, उससे लोग जागरूक होते हैं। धनक मीडिया इस कार्य के लिए बहुत ही धन्यवाद और बधाई का पात्र। थैंक यू सो मच सर, और हम लोग भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, और आई होप आप भी जुड़े रहेंगे धनक मीडिया के साथ। आपसे अगली बार जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।